दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर और बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सहयोग करते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, थैंक यू। इस समय मैं बात कर रहा हूं सीखे 1000 रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की। 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर 7 चल रहा है। जलाना बुझाना स्पेशल के वाक्य बताए जा रहे हैं, पार्ट 4 हो चुके हैं इसके, पार्ट 5 चल रहा है। 60 सेंटेंसेस हो चुके हैं, 61। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिए जलाना, अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि से संबंधित वाक्य सिखाऊंगा। पहला वाक्य देखो, चलो अब दिए जलाते हैं, चलो अब दिए जलाते हैं। लेट्स लाइट, जो वर्ब लगनी है जलाने के लिए, दैट इज लाइट। तीनों वर्ब होते हैं लाइट, लिट, लिट। लेट्स लाइट, दियो को बहुत कम लोग जानते हैं कि दिए को अर्देन लैंप्स, EARTHEN, अर्देन माने मिट्टी से बना हुआ, अर्देन पॉट यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन, तो अर्देन लैंप, लैंप माने चिराग। लेट्स लाइट द अर्देन लैंप्स नाउ। ओके, वह उस समय दिए जला रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज लाइटिंग, LIGHTING, ही वॉज लाइटिंग द अर्देन लैंप्स एट दैट टाइम। अगर आप लोग गौर करें तो मैं ग्रामर और वर्ड पे बहुत फोकस कर रहा हूं अपने चैनल पर, क्योंकि यही दो चीजें हैं जिनसे अंग्रेजी भाषा को कमांड किया जाता है। ये दो लगाम है अंग्रेजी रूपी घोड़े की। आप 2000 महत्वपूर्ण शब्द, जो मेरा ग्रुप है प्लेलिस्ट पे, उसको देखिए, लगभग 500 वर्ड्स दे चुका हूं। निचोड़ है अंग्रेजी का, हर जगह काम आएंगे वो 500 वर्ड्स। फिर एक ये सीरीज चल रही है, आपको नए शब्द मिल रहे हैं, नए वाक्य मिल रहे हैं सीरीज में। इसके अलावा आप लोग द हिंदू वाले लेक्चर्स देखिए, हर वीडियो आपको 20 से 30 खूबसूरत शब्द देगा। ग्रामर में जाइए आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने पूरा अपलोड किया है, सेंटेंसेस, 12 टेंस, देयर, इट, और इस समय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से बच्चों, अगर आप इन सब वीडियोस को देखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर जरूर सुधर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 63, कुछ दिए बुझ चुके थे। कुछ बुझ जाए, आग बुझ जाए, उसको गो आउट कहते हैं। गो आउट के तीनों फॉर्म होंगे, गो आउट, वेंट आउट और गॉन आउट। तो दिए बुझ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अ फ्यू माने कुछ, अ फ्यू अर्देन लैंप्स हैड गॉन आउट, ये बनेगा इसका अनुवाद, अ फ्यू अर्देन लैंप्स हैड गॉन आउट। ये एक एक अनुवाद, एक एक फार्मूला है। आपको अगर कुछ और बोलना है आप इसके आधार पे बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले दुकानदार धूप जलाते हैं। आप कभी दुकानों पर देखिएगा, खासतौर पर ठेले वालों को देखिएगा, सबसे पहले ब्लैक कलर की अगरबत्ती टाइप की चीज होती है, खुशबूदार चीज होती है, उसको धूप बत्ती कहते हैं, और आम बोलचाल में हम लोग धूप कहते हैं। उसकी इंग्लिश के लिए दो वर्ड्स हम लोगों ने बनाए हैं, एक है इनसेंस, INCENSE, इनसेंस माने खुशबूदार पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, या अ फ्रैग्रेंट, FRAGRANT, फ्रैग्रेंट माने सुगंधित, सब्सटेंस, SUBSTANCE, पदार्थ। तो बनेगा क्या, फर्स्टली माने सबसे पहले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ते है। फर्स्टली द शॉपकीपर्स बर्न, जलाने के लिए यहां पे शब्द क्या है, बर्न, लाइट नहीं लगाएंगे, बर्न लगाएंगे, बर्न। इनसेंस कहिए या आप फ्रैग्रेंट सब्सटेंस कहिए या आप धूप भी कह सकते हैं, फर्स्टली द शॉपकीपर्स बर्न द धूप या द धूप बत्ती, वो भी सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह अगरबत्तियां जलाने के बाद ईश्वर की आराधना करेगा। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि अगरबत्तियों को इंग्लिश में इनसेंस स्टिक्स कहते हैं, इनसेंस स्टिक्स। आप देखो, वह अगरबत्तियां जलाने के बाद ईश्वर की आराधना करेगा, आफ्टर बर्निंग, अगरबत्ती जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए आप बर्न लगाइएगा, आफ्टर बर्निंग द इनसेंस स्टिक्स,
यानी कि अगरबत्तियां जलाने के बाद ही विल ऑफर हिज प्रेयर्स। बहुत ही खूबसूरत वाक्य है, ईश्वर की आराधना करना, भगवान की प्रार्थना करना, इसकी इंग्लिश होती है ही विल ऑफर हिज प्रेयर्स। तो पूरा वाक्य बना आफ्टर बर्निंग द इंसेंस स्ट्रिप्स ही विल ऑफर हिज प्रेयर्स। ये वीडियो आपको उच्चारण दे रहे हैं, ये वीडियो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस दे रहे हैं, सिर्फ आपको बोल बोल के इनका अभ्यास करना है और जहां मौका मिले इनको बोल देना है। ठीक है, अगला वाक्य, क्या तुम आज मच्छर भगाने वाली क्वायल नहीं जलाओगे? हम सब जानते हैं गोल गोल क्वायल आती हैं, हम जलाते हैं तो मच्छर भग जाते हैं। इसके लिए भी बर्न शब्द है, विल यू नॉट बर्न, विल यू नॉट बर्न, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अ मॉस्क्यूटो, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ, मॉस्क्यूटो, क्वायल, सी ओ आई एल, क्वायल माने वो कुंडली टाइप की क्वायल, टूडे। या आप विल और नॉट को मिला सकते हैं, वॉन्ट यू बर्न अ मॉस्क्यूटो क्वायल टूडे, दोनों वाक्य बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, यदि कोई भी भाई और बहन इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो, यदि मुझसे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहे फोन के माध्यम से, मैं प्राइवेट ट्यूशंस कुछ समय मैंने निकाला है मैं देता हूं, 15 मिनट्स की क्लासेस हैं, 30 मिनट्स की और 45 मिनट्स की। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, 100% रिजल्ट आएगा। बस आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, ग्रामर पढ़ाता हूं, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देता हूं, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताता हूं, इंटरव्यू ट्रेनिंग देता हूं। यदि कोई भी भाई या बहन मुझसे ये सेवा लेना चाहे, इसके चार्जेस होते हैं कुछ, व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9335077458, 9335077458। आप अपना नाम लिखिए, ट्यूशन लिखिए, मैं आपको बाकी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या तुम आज, ये हो गया, सिगरेट एस्ट्रे में सुलग रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मोल्डर माने सुलगना होता है, एस एम ओ यू एल डी ई आर, स्मोल्डर माने सुलगना, बिना लपटों के जलना, जैसे कोयले सुलगते हैं। सिगरेट एस्ट्रे में सुलग रही थी, सिगरेट की स्पेलिंग भी बहुत कम लोग सही जानते हैं, सी आई जी ए आर ई डबल टी ई, द सिगरेट वॉज स्मोल्डरिंग, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, स्मोल्डरिंग, द सिगरेट वॉज स्मोल्डरिंग इन द एश ट्रे, ए एस एच, एश माने राख होता है, ट्रे माने ट्रे जिसमें सिगरेट बुझाई जाती है, एश ट्रे, द सिगरेट वॉज स्मोल्डरिंग इन द एश ट्रे, तो स्मोल्डर माने सुलगना। क्या तुमने जलती हुई सिगरेट एस्ट्रे में छोड़ी थी? तो जलती हुई का मतलब सुलगती हुई, सिगरेट सुलगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू लीव, लीव माने छोड़ना, डिड यू लीव द स्मोल्डरिंग सिगरेट, स्मोल्डरिंग सिगरेट मतलब सुलगती हुई सिगरेट इन द एस्ट्रे। तो ये सब वाक्य आपको जब भी आपको कोई प्रिसाइज चीज कहनी है, एक्यूरेटली बोलने का तरीका दे रहे हैं। उसने पैर से सिगरेट एंड को बुझा दिया, जब सिगरेट खत्म कर लेता है इंसान तो उसके बाद जो चीज बचती है उसको कुछ लोग टुर्रा भी कहते हैं, टुर्रा इंग्लिश इसकी है सिगरेट एंड, और लोग ऐसे नीचे करके पैर से बुझा देते हैं उसको, उसकी इंग्लिश बता रहा हूं, ही पुट, देखो पुट आउट माने बुझाना और गो आउट माने बुझ जाना, दो अलग शब्द, पुट आउट माने बुझाना और गो आउट माने बुझ जाना, तो बुझा दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पुट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, पुट पुट पुट, और पुट आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, ही पुट द सिगरेट एंड, ये ऑब्जेक्ट है, ही पुट द सिगरेट एंड आउट बाय स्टेपिंग ऑन इट, एस टी ई डबल पी आई एन जी, स्टेपिंग ऑन इट, स्टेपिंग ऑन इट का मतलब होता है पैर से ऐसे ऐसे कर देना, पैर रख देना, तो ये वाक्य ऐसे जाएगा। अंतिम वाक्य इस वीडियो का, आज फिर वही अगरबत्ती जलाओ। मान लो किसी ने खूबसूरत सी बढ़िया सी सुगंधित अगरबत्ती जलाई, इंसान कहे भैया दोबारा जलाओ यार, तो कैन यू प्लीज, ये रिक्वेस्ट करने का ढंग होता है, कैन यू प्लीज बर्न, बी यू आर एन, बर्न द सेम
in incense stick today? Can you please burn the same incense stick today? बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि इन वाक्यों के माध्यम से आपकी अंग्रेजी जरूर जरूर मजबूत होगी, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे। इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।